सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं, भागे क्यों चल रहे, आप बात नहीं कर रहे 20 दिन से, हम दूसरे के पास 20 दिन से रह रहे, रूम पे लड़का ताला मरवा दिया। हाँ, मिली थी आप लोग शूटिंग पे ही मिले थे। लड़का आता है तो आप हमको कॉल कीजिएगा ना, मैम वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, भाई कोर्ट मैरिज करो, शादी करो हमसे। भोजपुरी में कलाकार जो है लड़कियों का यूज करके छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से आपके साथ भी किया जा रहा है आपके साथ। वो सुपरस्टार हो चाहे कुछ भी हो, आप किसी लड़की के साथ गलत कीजिएगा तो गलत वो सब जगह साबित होगा। उनका कहना है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनका दिमाग इधर उधर घुमा हुआ है। अरे मॉडल है क्या कर लेगी, अरे मॉडल है तो क्या तुम समझ रहे हो, 2 साल तुम रख रहे हो। हाजिर हूँ ग्लैमर की दुनिया की शर्मनाक कहानी के साथ। जी हाँ, भोजपुरी की कहानी है, उसी भोजपुरी की कहानी है जहाँ से पवन सिंह जैसे पावर स्टार है, और पावर स्टार की कहानी को तो आप लोग जानते ही हैं। तो फिर एक कहानी सुनिए एक गायक की, जो कि अश्लीलता परोसता है, जो आज बड़ा कांड किया है एक महिला मॉडल के साथ। पूरी तस्वीर दिखाऊंगा सबूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक। मैं बात कर रहा हूँ सुपरस्टार गायक कहे जाने वाले रोशन रोही की, जो गाते हैं नहीं खेल हुआ रे सब फेल हुआ रे। जी हाँ, ऐसे ऐसे अश्लील गानों को परोसते हैं, लेकिन समाज में उन्होंने किस तरीके का अश्लीलता परोसा है उसकी तस्वीर देखिए। मॉडल जो कि कभी उनकी पत्नी हुआ करती थी, जिसको उन्होंने अपने रूम में ही मांग भर करके पत्नी बना लिया था, जीवन संगनी बना लिया था, 2 साल तक उसके साथ रहे थे, आज वो न्याय की गुहार लगा रही है। क्यों न्याय का गुहार लगा रही है, जानिए उसकी जुबानी, उसके दर्द की कहानी। क्या हुआ आपके साथ? वो सुपरस्टार हो चाहे कुछ भी हो, आप किसी लड़की के साथ गलत कीजिएगा तो गलत वो सब जगह साबित होगा, चाहे वो कितने बड़े भी आप सुपरस्टार हो जाएं। तो वो जो गलती की, हम उस चीज के लिए यहाँ पे आए। मेरा पेपर कहाँ गया, भैया के पास से थोड़ा पेपर मांगिएगा। हाँ, बोलिए बोलिए। और वो ऐसा किए कि हम महिला थाना भी आए उनके, मतलब सबको बोलने के लिए बता, मैम के पास आए। मैम थोड़ा टाइम इधर उधर पूरा हो गया है। मामला क्या है, मामला बताइए पहले। 2 साल से रोशन रोही मेरे साथ रहे हैं। मगही सुपरस्टार रोशन रोही की बात कर रही हैं? हाँ, वो मेरे साथ 2 साल रिलेशन में रहे, और रिलेशन के बाद जब लिविंग रिलेशन की बात आई तो हम उनको बोले शादी के लिए, तो वो सिंदूर मेरे मांग में घर में ही डाले। अब उनका कहना है कि पब्लिक से बढ़िया से शादी करेंगे, पूरे पब्लिक में बढ़िया से हमको शादी वादी, उनके पापा भी बोले हुए हैं कि शादी वादी अच्छे से करेंगे। और अब लड़के का 2 मंथ से देख रहे हैं पूरा रंगरतिया चेंज है, और लड़का 20 दिन से हमको छोड़ के भागा हुआ है। जहाँ हम दोनों साथ में रहते थे वहाँ वो गेट में ताला मरवा दिया है, और कोई बातचीत हम दोनों में अभी नहीं हो रहा है। वो लड़का हमको सब जगह से ब्लॉक कर दिया, हम आपको भी कॉल करके दिखा देते बाद में, ये नहीं हमको पूरे तरीके से। अच्छा, क्या बोलकर आपको क्या झांसा देकर आपके साथ ये सब किया 2 साल की शादी करेंगे। घर से भी वो हमको ले आया, फैमिली से भी दूर करवा दिया, काम भी छोड़वा दिया, अब हम कहीं के नहीं रहे। अच्छा, तो ये महिला थाना पहुंची है तो आज क्या सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बस डेट पे डेट मिल रहा है लड़के को। तो हम, मेरा ये कहना है कि आप किसके पास कॉल कर रही हैं? रोशन रोही के पास सिंदूर लगाई हुई है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। मतलब आपका ब्लैक लिस्ट में नंबर है? 2 नंबर हम दोनों पर दिखा देते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, व्हाट्सएप पे भी सब जगह से उनको ब्लॉक किया गया। छोड़ने के पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है? अब उनका कहना है कि देखेंगे हम आगे शादी वादी के बारे में, तो थोड़ा सा बहस हुआ हम दोनों में। मेरा ये कहना, हम अकेले हैं, हमको उसी से शादी करना, उसी के साथ रहना। आप 2 साल रिलेशन बना के किसी को झांसा में रख के क्या किए, उससे हमको कोई अब मैटर नहीं करता। हमको यही कहना, हमको शादी करना। अच्छा, कहाँ मिली थी आप लोग? शूटिंग पे मिले थे। शूटिंग पे, मतलब आप भी भोजपुरी में काम करती है? हाँ, भोजपुरी में काम करते थे, स्टार्ट किए ही थे, उसके बाद कुछ दिन बाद रोशन जी मिल गए। उसके बाद ये मेरा काम वाम छुड़वाने के पीछे बहुत ज़्यादा झगड़ा भी शूटिंग लाइन में मेरे वजह से उनसे सबसे हुआ है। हम कहीं भी काम करने जाते थे वो झगड़ा करना स्टार्ट कर देते कि तुम कहीं काम नहीं करोगी, हमको तुमसे शादी करना है। तो शादी करना है तो आप ये दिन क्यों दिखा रहे हैं, रोड पर आप ला के खड़ा कर दिए, अब हम कहाँ जाएँ? आपका और रोशन रोही का प्यार का शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे मिले थे? और हम लोग तो शूटिंग पे ऐसे ही नंबर काम के ही मैटर से, फिर धीरे धीरे हम लोग का बात बढ़ गया। फिर उसके बाद हम लोग साथ में रिलेशन आने से पहले हम उनको ये चीज़ बोले, वो सिंदूर भी किए और सब जगह वो बोले हुए हैं कि हाँ उसे शादी करने वाला, घर भी अपने बहुत बार ले जा चुके, जब जाते थे तब उनके साथ हम उनके घर गए। सिंदूर कहाँ डाले थे आपसे, शादी कहाँ किए थे? जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं, फ्लैट पे। ओके, शादी का कुछ प्रूफ है? नहीं, उस टाइम रात का समय था, वो बोले कि हाँ ये वो लंदन जो भी लड़का लोग अपना बोलते वही चीज़। फ्लैट में शादी होता है? शादी तो मंदिर में होता है, कोर्ट में होता है, वो चीज़ मानते हैं भैया कि
कोर्ट में होता है, मंदिर में होता है। आप विश्वास दिला तब ना हम विश्वास किए। अभी हम आप लोग को जो बोल रहे हैं आप वही ना सुन रहे हैं। जो चाहे रोशन जी जो बोलेंगे वही सुनिएगा। अंदर का तो बात कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, आप लोग के अंदर क्या चल रहा है। जब शादी किया था हम तो विश्वास करके यहाँ पे आए, विश्वास करके यहाँ पे क्यों आए, कि हमको सपोर्ट मिलेगा। आप इतना अच्छे तरीके से अभी भी नाम ले रही हैं और आरोप भी लगा रही हैं, रोशन जी कर रही है सारे इंटरव्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबकी तरह नहीं ना बुड़बक हैं कि बुड़बक ही पनाही करेंगे, वो ना कर रहे हैं। उनको जब पता है कि हम लोग को साथ में रहना, तो आप ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं, भागे क्यों चल रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे 20 दिन से। हम दूसरे के पास 20 दिन से रह रहे, रूम पे लड़का ताला मरवा दिए, अब बताइए आप यही ना मजबूर। क्या कर रहे हैं उनके फैमिली वाले, कुछ नहीं बोल रहे, बात ही नहीं कर रहे। बस 2 दिन पहले बात भी किए तो अच्छे से मेरे से बात नहीं कर रहे उनके साथ में। कितने दिनों तक आप लोगों ने रहा है, लिव इन रिलेशन? 2 साल से रह रहे हैं। और किस किस को पता था सारी बातें, कि आपके मम्मी पापा और रोशन रोही के फैमिली को पता था? हाँ, मेरे घर में पता था, तो मेरे घर वाले मतलब जान गए थे ये मैटर। तो रोशन बहुत ज़्यादा ड्रामा करते थे मेरे घर पे भी जाके, मतलब नहीं होता हाँ चिल्ला चिल्ली करना, तुम काहे चली आई फिर घर पे, तुम मेरे ही साथ रहो की। तो हम घर छोड़ दिए थे, कब के घर छोड़ चुके इनके वजह से। मेरा फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और रोशन के तरफ से सब लोग हैं, मेरे तरफ से कोई नहीं, हम अकेले पड़े हुए। उनके पास पैसा है, पैर भी है, सब चीज़ वो अपना लगा के बचने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप बच सकते हैं, देख लेते हैं। उनका क्या कहना है कि उनका कहना हम नहीं रखेंगे, मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग और प्रूफ भी है। वन डायरेक्टली तो क्या बोला गया? वो बोले कि अरे लड़का 2 तारीख को आया हुआ था, तुमको पता ही नहीं है। हमको बोले कि लड़का तो 2 तारीख को आया था, हमने लड़का कब आया, हमको तो कोई नोटिस नहीं आया। चाहे हम आते हैं थाना में तो डेट दिया जाता है ना, कितने तारीख को डेट आएंगे। हम जिस दिन आए उसके बाद से देखिए उनके फैमिली के साथ पूरा फोटो है जो अभी दिए हुए, दिखाइए फोटो, दिखाइए। उनके मम्मी, उनकी बहन है और उनके भाई है, रोशन जी भी है इसमें। अगला तारीख कब मिला है आपको? 25 को अब दिया गया, हमको बार बार तारीख ही दिया जा रहा है। लड़का आता है तो आप हमको कॉल कीजिएगा ना, मैम वहाँ पे नंबर दिया हुआ है। हमें हमको कोई कॉल वॉल नहीं आया है, 29 को भी नहीं आया है, ना 2 को आया है, बस 6 को मेरा जो फाइनल डेट था। आपने जब आप तारीख पर नहीं, तारीख दिया गया था, तारीख पर आए थे कौन, रोशन? आप तो हम तारीख को ही तो आए हैं, 6 तारीख। आज वो नहीं आया है, कितने तारीख पर अभी तक आ चुके हैं आप? हम ये मिला के 3 बार आ चुके हैं, तारीख नहीं, फर्स्ट टाइम आया। तो कोई मतलब हमको पता ही नहीं कि कब रोशन को डेट मिल गया, हमको कोई डेट मिला ही नहीं। अच्छा, फिर नोटिस नहीं मिला था, कुछ नहीं हमको। अच्छा, हम बस मैम को ये पेपर जाकर दे दिए थे। हाँ। ये जो पेपर था मैम को, जो लिखा था, ये हम मैम को सिर्फ दे के मैम अभी आप नोटिस दिखा रहे, थोड़ा नोटिस दिखाई ना, नोटिस उधर है, नोटिस मांगिए, थोड़ा सा नोटिस मांगिए। तो नोटिस रोशन पर कैसे भरोसा किए आप? भरोसा किए क्योंकि वो घर ले गए, फैमिली से मिलवाए, हर चीज़ से। इंटरव्यू देना कोई खेल नहीं ना, कि एक लड़का लड़की इंटरव्यू दे दें, आप देख सकते हैं खोल के इंटरव्यू में सारे इंटरव्यू। तो अभी जो रोशन रोही मुकर चुके हैं नोटिस, इसका बड़ा कारण क्या है? उनका कहना है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, उनका दिमाग इधर उधर घुमा हुआ है। नोटिस पर कितना डेट है? 2 ही डेट है ना अभी तक। आपके अलावा भी किसी को चाहते थे क्या? 6/12 है और 21-23 है और फिर 25 लास्ट डेट 25 को मिला है ना। हाँ। अब क्या चाहती है, उस पर केस करना चाहती है? हम केस करना चाहते हैं क्योंकि वो हमको पता है वो हमको पागल बना रहा है सब जगह से। अच्छा, वैसे भी हमको हर टॉर्च पे वो टॉर्चर करता था ना, मेरे पास ये है तो ये से तुम सब चीज खरीद सकते हो, खरीद लो, हम भी खड़ा है, तुम भी खड़ा रहना। कल होकर के केस हो जाएगा तो माइनस तो नहीं ना कर लीजिएगा? नहीं, कोर्ट मैरिज करो, शादी करो हमसे, कोर्ट मैरिज। हम कैसा रहना चाहते हैं? हाँ, रहना चाहते हैं क्योंकि मेरा फैमिली काम सब चीज छूट चुका है, हम चारों तरफ से बर्बाद। क्या लगता है, जिस प्रकार से आए दिन भोजपुरी में कलाकार जो है लड़कियों का यूज करके छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से आपके साथ भी किया जा रहा है? तो ये लोग हल्के में बना दिए ना कुछ लोग मिलके, कि अरे मॉडल है क्या कर लेगी। अरे मॉडल है तो क्या तुम समझ रहे हो, 2 साल तुम रख रहे हो किसी को, तुम्हारे ही घर वाले के साथ ऐसा हो तो तुमको कैसा लगेगा? खुद अपने पे एक बार लेके सब सोच ले एक बार, तो ये करना ही बंद कर देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। पुलिस प्रशासन से कोई मांग है आपकी? यही मांग है कि हमको शादी करना है और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, आप लोग करना बंद कीजिए। मतलब अभी भी भोजपुरी उस कलाकार को सपोर्ट किया जा रहा है? सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग। कानून पे भरोसा है? थोड़ा भरोसा भी नहीं लग रहा है, सब लोग भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, उनका रोशन पे कैसे भरोसा, पत्रकार कैसे भरोसा कर रहे हैं आप ये बताइए थोड़ा सा। क्या जो अभी आप जो बोले कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको? हाँ, बहुत लोग, सारे लोग उन्हीं के तरफ से, जिनको भी हम कॉल कर रहे हैं रो कर कि रोशन को बोलिए आने के लिए, हम जो भी मैटर हम खत्म करने के लिए तैयार हैं, वो कोर्ट मैरिज कर लें मेरे से। तो वो बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि मर जाएंगे लेकिन हम शादी नहीं करेंगे लड़की से। उनका कहना है शादी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, जेल जाने के लिए मंजूर करते लेकिन लड़की के साथ रहना मंजूर नहीं करते। और आपका क्या कहना है? मेरा कहना मुनी के साथ रहेंगे।
कहीं ना कहीं आप भी तो गलती किए हैं ना, बिना शादी किए हुए घर में शादी कर लिए, फ्लैट में शादी कर लिए और आज शादी वही काम। ठीक है, मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है। आप पूरे फैमिली से हमको मिलवाया, विश्वास दिलाया, वही विश्वास होता है ना। आज वो फैमिली कहाँ है जिससे मिलवाए उससे? उनके फैमिली अच्छे से बात कर रहे हैं, बट लड़के के मना करने के बाद से उनकी फैमिली नहीं बात। आप उस घर में जा करके रहिए, जब आपकी फैमिली जान में कर दी है तो फिर उसमें रहने में क्या दिक्कत है उनके यहाँ? तो उनके परिवार के सदस्य जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, पूरे गांव जानते हैं। फिर दिक्कत क्या है? पूरा गांव जानता है ना। जा करके रहिए, तो अब वही चीज ना करना पड़ेगा। जब अगला आदमी नहीं मान रहा तो हम इसमें क्या करेंगे? रोशन ने गाया है, नहीं खेल हुआ रे सब फेल हुआ रे, लेकिन इनके चाल में ये फेल नहीं हुए हैं, चाल तो चल ही गए। एक लड़की का जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दिया, जैसा कि वो आरोप लगा रही है, बोल रही है कि इन्होंने अपनी जीवन संगनी बनाने का उसको झांसा दिया। 2 साल तक रिलेशनशिप में रही, उनके साथ रही, उनके परिवार वालों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन आज वो भी नजरें चुरा रहे हैं। और इस लड़की के परिवार वालों ने शुरू से विरोध किया था, आज इसके साथ नहीं खड़े हैं। ये की अकेली लड़ रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, अपना दर्द बता रही है, ये चारों तरफ दौड़ रही है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। हालांकि ये पूरा मामला जांच का है कि इस जांच में कौन दोषी है। दोषी अगर रोशन है तो उनको सजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में ऐसी शर्मनाक कहानियां हमेशा देखने को मिलती है। आपने पवन सिंह का कृत्य तो देखा ही है, पवन सिंह का वर्तमान आप देख ही रहे हैं कि ज्योति सिंह किस तरीके से उनकी पत्नी जो कि गुहार लगा रही हैं, आज ये मॉडल भी गुहार लगा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, रोशन रोही पर आरोप लगा रही है। ये वही रोशन रोही है जो अपने गानों के माध्यम से समाज में अश्लीलता परोसता है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।